अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्रेलॉन टीवी पेंट स्टिक का रिव्यू करूंगी, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि हमें काइंडली इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताएं और हमें ये भी बता दें कि हम ओरिजिनल और फेक की पहचान क्या है, क्योंकि जब भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आती है तो उसके फेक भी आना शुरू हो जाती है। और उन तमाम गर्ल्स के लिए ये वीडियो है जो मुझे कमेंट्स में पूछ रही थी कि कोई 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग बेस स्टिक के बारे में बताएं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, सो एंड तक देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में जो है टीवी क्रेलॉन पेंट स्टिक जो है इसकी तमाम डिटेल, इसका यूज़ करने का तरीका बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इसको पहचानना है कि इसमें ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आप देख सकते हैं कि टीवी पेंट स्टिक की जो पैकिंग है वो कुछ इस किस्म की है। ये इसकी न्यू पैकिंग है, इससे पहले इसकी पैकिंग चेंज थी, अभी ये न्यू पैकिंग में आया है। और मेरे पास इसके 3 शेड्स पड़े हैं, आप देख। मेरा जो पर्सनल मैं यूज़ करती हूँ वो है आइवरी शेड, जो कि अभी ये मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। इससे पहले मैं 3W शेड यूज़ करती थी, आइवरी शेड मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, और ये दूसरा भी आइवरी शेड है आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो है फेक है। और ये जो मेरे पास और ये अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये 3W है, आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ओरिजिनल है। और वहाँ जो ये देखिए, ये आइवरी शेड मैं आपको दिखाती हूँ और ये 3W दिखाती हूँ आपको। तो ये बिल्कुल जो 3W है ये थोड़ा पिंकिश टोन में है, और आइवरी जो है ये थोड़ा येलोविश शेड में है, जो कि फेयर कलर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। जिनके कलर बहुत ज़्यादा फेयर है तो उनके लिए आइवरी बहुत बेस्ट है, ये तमाम जो है एशियन स्किन टोन के लिए बहुत बेस्ट है। और जिनके थोड़ा व्हीटिश सा कलर है वो 3W यूज़ करे। इससे पहले मैं कई सालों तक 3W ही पर्सनली यूज़ कर रही थी, लेकिन अब जो है मैं आइवरी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब मेरा कलर थोड़ा पहले से फेयर हो चुका है, तो मुझे दोनों स्टिक ही बहुत पसंद है। अब आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखा रही हूँ लेफ्ट साइड पे, ये ओरिजिनल है, और ये राइट साइड पे जो मेरे पास है ये फेक है। इनकी पैकिंग आप देखें, और इनके ऊपर इन्होंने कोड दिया हुआ है, जिसको आपने स्क्रैच करने के बाद इस कोड को मोबाइल में एंटर करना पड़ता है, जिससे आपको ये पता चलता है क्या ओरिजिनल है, आपको कन्फर्मेशन मैसेज आता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो है फेक पर भी यही सेम कोड लिखा होता है। स्टिक के ऊपर तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने ये जो स्क्रैच किया हुआ कोड जो है अपने राइट मैसेजेस में लिखकर इसको जो है सेंड करना है। आपने यहाँ पर जो भी आपका लिखा होता है कि आपने कहाँ सेंड करना है, इसमें है 8424 पर आपने इसको सेंड कर देना है। अभी हम ये मैसेज सेंड कर देते हैं इसका स्क्रैच कोड वाला, और हमें अभी मैसेज रिसीव होगा जिसमें हमें पता लगेगा क्या ये स्टिक ओरिजिनल है या फेक है। तो अभी हम वेट करते हैं हमें मैसेज रिसीव होने तक। ये देखिए मैसेज रिसीव हो गया मुझे, और जिस पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन फॉर क्रेलॉन प्रोफेशनल मेकअप इज़ कन्फर्म्ड। इट मींस के आपकी जो बेस ये स्टिक है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, और हमें कन्फर्मेशन मैसेज भी मिल गया है। और अभी हम जो है फेक की देखिए आइवरी जो है इसका हम लोग कोड स्क्रैच करेंगे। इन्होंने भी बिल्कुल इसको फेक को जो है ओरिजिनल दिखाने के लिए सेम वही प्रोसीजर किया हुआ है, कोड लिखा हुआ है स्क्रैच कोड, और आपने इसको करना होता है। अभी देखिए मैंने इसका कोड जो है एंटर कर दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा, और अब हम इसको जो है सेंड करेंगे इनके बताए हुए नंबर पर जो इन्होंने बताया है हमें। तो इसका भी हमें क्या मैसेज रिसीव होता है आप देख सकते हैं, मैसेज ये देखिए हमें मैसेज रिसीव हुआ जिस पे लिखा हुआ डियर कस्टमर यू हैव सेंट एन इनवैलिड मैसेज। आप ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, और ये इट मींस कि ये जो है फेक है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी कोड को स्क्रैच कर लें किसी भी स्टिक के कोड को, तो वो आप दोबारा करेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज आएगा, और ये जो है फेक स्टिक है हमें पता चल चुका है। लेकिन एक और बात मुझे जो है पता चली वो ये कि मेरी फ्रेंड ने एक फेक स्टिक खरीदी जो कि 600 में ख़रीदी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब कोड स्क्रैच किया तो उनको बिल्कुल जो है कंफर्मेशन मैसेज आ गया। आप देख सकते हैं स्टिक को भी उन्होंने अच्छे से वो कर लिया है अपने, और फेक स्टिक को ओरिजिनल दिखाने के लिए। तो इसके लिए भी मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊँगी कि आप कैसे जो है ओरिजिनल स्टिक खरीद सकते हैं। अभी आपको ये इनका डिफरेंस मैं बताती हूँ, ये जो है क्रेलॉन स्टिक ये जो है ये फेक है, आप सॉरी ये फेक है, हाँ जी ये फेक आइवरी है, और ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे हाथ में है ये दोनों जो है ये ओरिजिनल है।
इसकी पैकिंग को देखा जाए तो ये स्टिक आप देख सकते हैं, इसका कलर जो है कितना डार्क ग्रेश कलर है, और ये दोनों जो कलर्स है इनके टीवी पेंट स्टिक के लेफ्ट साइड पे, ये बिल्कुल लाइट से इनके कलर्स हैं, आप देख सकते हैं इनके नीचे से देखे ऊपर, ये तमाम इंच जो है बिल्कुल लाइट सा कलर, और इनकी पैकिंग बहुत ज़्यादा जो है डार्क कलर में की गई है, ये जो फेक आइवरी है। फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि ओरिजिनल और फेक को डिफ्रेंशिएट करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और बहुत ज़्यादा शॉपकीपर आपको जो है फेक वाली आपको ओरिजिनल प्राइस में देती है, और आपका तो फ्रेंड्स मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि काइंडली जब भी आपने ये टीवी पेंट स्टिक खरीदनी हो तो आप इनके क्रायलॉन के फ्रेंचाइज से जाके खरीदें। हाँ, ये इनकी फ्रेंचाइज हर सिटी में मौजूद है, क्योंकि ये एक बेस्ट जो है प्रोफेशनल टीवी पेंट स्टिक है, और बहुत ज़्यादा जो है ब्यूटिशंस इसको यूज़ करती हैं, पार्लर्स में ये यूज़ होती है, और ये 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग इसका जो है रिजल्ट है। ये मैं सर्दियों में भी यूज़ करती हूँ और गर्मियों में भी, आप किसी भी मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका फुल कवरेज है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाइट कवरेज इसका किसी पार्टी मेकअप के लिए या नॉर्मल यूज़ के लिए भी अगर चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल लाइट सा लगा ले, तो इसकी कवरेज जो है थोड़ी लाइट हो जाएगी, 24 घंटे तक भी आप अपना आपका जो मेकअप है वो स्टे करेगा, आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी आपको इससे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है मैंने ख़रीदी है 2100 की, तो 2000 और 2100 तक आपको ईजिली मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर की।